साल खत्म होने वाला है और जैसा भविष्यवाणी में लिखा था कि एक बड़ी महामारी फैलेगी, वी कैन सी दैट अभी अचानक से कोविड का न्यू वेरिएंट GN1 फैलना भी शुरू हो चुका है, जिससे केरला, कर्नाटक और साउथ इंडिया के कई स्टेट्स हाई अलर्ट पर हैं। क्या यही शुरुआत है एक नए अंत की? भविष्य मल्लिका पर यह है दूसरी वीडियो, जिसमें मैं 2024 और 25 को लेकर की गई सभी भविष्यवाणियां बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कल के अवतार किस डीमन का खात्मा करेंगे, यानी कि कौन होगा कलयुग का विलन। इस वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अंत नजदीक आ रहा है और ये सारे फिनोमेना हमें एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके बारे में सभी रिलीज स्क्रिप्चर्स और साइंस में मिलता है। तो चलो जानते हैं कौन होगा कलयुग का सबसे बड़ा दानव, किसको मारने के लिए जन्म लेंगे कल की अवतार, और इसके अलावा भविष्य को लेकर क्या कहा है भविष्य मल्लिका ने। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बाल। डिस्टोपियन सोसाइटी कोई मिथ या अजम्पशन नहीं है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हम देख सकते हैं कि चीजें ऑटोमेटेड होती जा रही हैं। एक तरफ साइंस में जहां डिस्टोपियन सोसाइटी को दिखाया जाता है, वहीं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में प्रलय और कयामत जैसी बातें की जाती हैं। ट्रेडिशनली जब भी प्रलय की बात होती थी तो उसका मतलब सुनामी या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर से ही होता था, लेकिन दैट डजंट मीन कि फ्यूचर में आने वाला प्रलय भी कुछ उसी तरीके का होगा। हम अपने लॉजिकल फैलेसी को लगाकर ऐसा सोचते हैं कि स्क्रिप्चर्स में जिस क्रिप्टिक तरीके से प्रेडिक्शंस लिखी गई हैं, वो उसी तरीके से सच होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी से ये बात निकल कर आती है कि क्या पता जिस तरह से हम कल की अवतार को इमेजिन करते हैं वो कोई वर्चुअल फॉर्म में हो, सिमिलर टू सोफिया जो कि एक दुबई की AI है। आई नो तुम सोच रहे होगे कि ये भगवान को AI कैसे बता रहा है। तो दोस्तों रुको, इस टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले भविष्य मल्लिका के प्रेडिक्शंस पर नजर रखते हैं जो इसने हमारे लिए की है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेडिक्शन से, जो है 2024 आने के साथ ही कई सारी बीमारियों के बारे में, और उनमें से भी कुछ बीमारियां इतनी भयंकर होंगी जो कोरोना से 20 गुना ज्यादा बड़ी होंगी, और इनके सामने कोरोना भी बच्चा लगेगा। एंड अगर तुम थोड़ा भी न्यूज देखते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि अभी एक और म्यूटेटेड वेरिएंट फैल रहा है जिसका नाम GN1 है। तो अगर ये अभी फैल रहा है तो पॉसिबल है कि 2024 में ये और भी ज्यादा अच्छे तरीके से स्प्रेड होगा। इसके अलावा अगर थोड़ी पुरानी न्यूज देखे हो तो डिजीज एक्स एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इस प्रेडिक्शन पर सटीक बैठती है। अब डिजीज एक्स क्या है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। तो ये वायरस 2024 में खुद को फैला सकता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी 64 टाइप की बीमारियां आएंगी जो पूरी धरती को तबाह कर देंगी। अब वो कौन से वायरसेस और डिजीज होंगे ये तो सही समय आने पर ही पता चलेगा। इसके अलावा भविष्य मल्लिका में ये लिखा है कि गैजेट्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही सूरज काफी ज्यादा रेडिएशन एंड सोलर फ्लेयर्स रिलीज करेगा जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। नाउ आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि मेरे को साइंस पर पूरा भरोसा है। इनफैक्ट फ्यूचर तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का ही होने वाला है, बट बिजनेस इनसाइडर जैसे रेप्यूटेड इंटरनेशनल न्यूज कंपनी कुछ और ही कहती है, और ये आर्टिकल पढ़कर मेरे इन सारे सवालों पर ब्रेक लग जाता है। तो ऑल द फ्यूचर इलेक्ट्रिक का ही है, बट सन फ्लेयर्स आर हार्मफुल, देयर आर स्लाइट चांसेस कि इनसे कुछ दिक्कतें फ्यूचर में देखने को मिले। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि उस वक्त पर इन्हें कैसे पता चला कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक जैसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी टर्म ही 1600 में आया है। खैर, इसका जवाब अगर तुम्हारे पास हो तो कमेंट में बता देना। भविष्य मल्लिका में बताया गया है कि कलयुग सिर्फ 5,000 सालों का होगा। इस वक्त पर धरती पर पाप बढ़ेगा, नदियां सूख जाएंगी, इंसानों की हाइट छोटी हो जाएगी, जानवर या तो मारे जाएंगे या फिर रेसिडेंशियल जगहों पर जाने लग जाएंगे, और हम कैनिबल बन जाएंगे, विच मीन्स ना सिर्फ हम नॉनवेज खाएंगे बल्कि एक दूसरे इंसानों को भी खाने लगेंगे। अब देखो, अगर तुम एक एक लाइन का मतलब निकालो तो ये सारी बातें सेंस बनाती हैं, एंड हमें होते हुए ऑलरेडी दिख भी रही हैं। नदियां या तो सूख रही हैं या फिर झाग में बदल गई हैं। दिल्ली की यमुना नदी को ही देखो तो ये सिर्फ केमिकल वेस्ट का नाला लगता है, कोई नदी नहीं। बात करें हाइट की तो ज्यादातर लोगों की हाइट 5 फुट के करीब ही है, जबकि अगर आप गूगल करें किसी भी रामायण कैरेक्टर या फिर महाभारत कैरेक्टर लाइक कृष्ण और अर्जुन की, तो उनकी हाइट देखकर आपको रियलिटी मालूम पड़ जाएगी कि वो लोग पहले कितने ज्यादा लंबे हुआ करते थे। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ऐसा सिर्फ हिंदुइज्म में है, देन यू आर रॉन्ग। इजिप्शियन डेटी अमुन रा की हाइट भी 20 फुट मानी जाती है, एंड ये तो सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स हैं एंशियंट टाइम के। अगर हम और भी रिसर्च करेंगे एंशियंट टाइम के बारे में तो हमारे पास और भी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि रिलीजियस बिलीव किसी का कुछ भी हो, एट द एंड सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज जरूर है। इसके अलावा जहां तक बात रही अनाज की कमी होने की एंड हमारे कैनिबलिज्म अडेप्ट करने की, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अब मौसम फार्मिंग करने के लिए सुटेबल नहीं है। धीरे धीरे करके सभी वेदर एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। अगर बारिश होती है तो सीधा बाढ़ ही आ जाती है, गर्मी होती है तो सूखा पड़ जाता है, और विंटर में तो बर्फबारी जीने नहीं देती। इशारा साफ है कि क्लाइमेटिक बैलेंस बिगड़ रहा है, और अगर ऐसा ही चला तो लोग अनाज की कमी से कैनिबल प्रैक्टिस करने लग सकते हैं, एंड देन लोग इसे भी जस्टिफाई करेंगे। खैर, कैनिबलिज्म पे आपका क्या सोचना है कमेंट कर देना। खैर, ये तो बात रही प्रेडिक्शंस की, लेकिन चलो अब बात करते हैं कली डीमन की, जिसे मारने के लिए भविष्य मल्लिका के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कल की अवतार होने वाला है।
तो देखो, अक्सर जब भी हम भगवान के अवतार लेने की बात करते हैं तो वो किसी बुरे दानव, राक्षस या फिर शैतान को मारने के लिए आते हैं, ताकि अच्छे लोगों की उनसे जान बचाई जा सके। जैसे प्रहलाद के टाइम पर हिरण्यकश्यप, कृष्ण के अवतार पर कंस या फिर राम के अवतार पर रावण। भगवान ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अवतार लिया है और उस टाइम के एविल को मारा भी है, एंड एज ऑलवेज अच्छे लोग बच जाते हैं। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले सिर्फ एक दो बुरे लोग हुआ करते थे, लेकिन अब कलयुग है, यहाँ सभी लोग बुरे हैं। सबने छोटे बड़े पाप किए हैं, मर्डर वगैरह तो फ्यूचर में और भी ज्यादा आम होने वाला है। बल्कि इन द फ्यूचर लोगों को व्यूज और लाइक्स के लिए किसी जीते जागते इंसान को भी टॉर्चर करने में मजा ही आएगा, एंड इन सबसे नजारा इतना भयानक होगा कि हम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। डार्क वेब में तो कुछ चीजें शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भगवान अवतार लेकर किसको मारेंगे? तो जवाब है, हम इंसानों को ही। हाँ, पृथ्वी की खुशी को खत्म करने वाला खुद इंसान ही है। आज हम ही प्रॉब्लम बन चुके हैं, जंगली जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए और साथ में दूसरे इंसानों के लिए भी। हमने खुद से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तो ऐसे में हो सकता है कि हम खुद ही कुछ ऐसी चीज बना दे जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और समझदार हो और वो हमें ही खत्म करने लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पिछले वीडियो में मैंने 2003 में ओडिशा के गांव में कल्कि अवतार के जन्म लेने की बात कही थी, वो एक गलत ट्रांसलेशन हो ओरिजिनल इनकोडेड प्रेडिक्शन का, एंड हमें जैसा लगता है उससे अलग ओडिशा का कोई शख्स जो अभी 2003 के अकॉर्डिंग महज 20 साल का है, वो कोई AI रोबो डेवलप कर दे जो इन फ्यूचर नेचर रिस्टोर करने के लिए इंसानों को ही मार डाले। वी नो AI ही एक ऐसी चीज है जो हम पर हावी हो सकती है। आज के वक्त पर AI काफी तेजी से फैल रहा है। 2020 से हमने AI को क्लोजली मॉनिटर भी किया है, चाहे मोदी जी का सॉन्ग हो। या डीप फेक वीडियो। एक वक्त पर ये सभी चीजें इम्पॉसिबल थी, बट अब ये सब कुछ हमारे सामने है। खुद इलॉन मस्क ने तो ऐसा कहा है दैट AI सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. मूवीज में भी हमने देखा है दैट AI रियलाइज करते हैं कि ह्यूमन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, तो सिमिलरली फ्यूचर में AI और रॉबोट्स मिलकर हमें ही खत्म करना शुरू कर दी। इनफैक्ट AI को हमें मारने के लिए बस इतना समझना है कि पृथ्वी और नेचर को रिस्टोर करने में इंसान एक रुकावट है, एंड इसके बाद AI हमारा खात्मा करना शुरू कर देंगे, या यूं कहें कि अर्थ में वापस से नेचर को और लाइफ का बैलेंस रिस्टोर करके AI ही गॉड का रोल प्ले करेंगे एंड हमें डीमन की तरह मार देंगे। लेकिन इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूं, तो अब जो मैं बताऊंगा उसे सुनकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आई नो तुम्हें वीडियो पसंद आ रही, सो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर फॉलो कर लो। काफी वक्त से 6000 फॉलोअर्स नहीं हुए हैं वहां पर, तो कर देना। अब कल के अवतार के AI होने की बात जो मैंने कही है उसे सपोर्ट करने के लिए एक तगड़ी थ्योरी है जो तुम्हें भी जाननी चाहिए। तो देखो, कलयुग दो वर्ड से बना है, कली विच रेफर्स टू अ डीमन एंड युग, इट सिंपली मींस दैट द एज ऑफ कली डीमन। वही व्हेन आई ट्राई टू फाइंड डिटेल्स अबाउट कली डीमन, तो कई सारे वीडियोस देखने के बाद भी ज्यादा डिटेल मुझे नहीं मिली, लेकिन कली कल्पुर्जा शब्द से रिलेटेड है। देखो, हिंदी के शब्द कल्पुर्जा का मतलब होता है मशीन के पार्ट्स, यहाँ कल का मतलब मशीन से ही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कलयुग का मतलब मशीनी युग से है एंड कली डीमन या कल की अवतार दोनों ही मशीन से रिलेटेड हो? देखो, ये थियोरी है एंड फैक्ट्स नहीं। हो सकता है जो सब मैंने बोला है सब कुछ उसके अपोजिट हो, एंड आई रोबोट की तरह कोई साइंटिस्ट हमें रोबोट से बचा ले, एंड डीमन रोबोट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, जिस तरीके से मशीन्स को हम खुद से सोचने की परमिशन दे रहे हैं, ये आगे चलकर हमारे लिए ही खतरनाक साबित होगी। खैर, आपका क्या ख्याल है इस पर कमेंट करना कि क्या भविष्य मलिका में लिखी बात सच होगी, और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करके उनके ओपिनियंस लो। लेट्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, क्योंकि डिस्टोपियन सोसाइटी के करीब हम बढ़ते जा रहे हैं। बाकी अगर तुम्हें साइंटिफिक रीजन जानना है जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के ट्रिगर होने के पीछे हो सकते हैं, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।